प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उत्तर प्रदेश के मेरठ में खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला रख दी है। इस खेल विश्वविद्यालय का नाम हॉकी के जादूगर के नाम से मशहूर मेजर ध्यानचंद के नाम पर रखा गया है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसभा को भी संबोधित किया। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपराध और विकास कार्यों को लेकर विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पहले मेरठ में माफिया अपना खेल खेलते थे। उन्होंने कहा कि पहले की सरकारों की वजह से मेरठ से पलायन हुआ। उन्होंने कहा कि पहले की सरकार में अपराधी यहां खेल खेलते थे। लोग भूल नहीं सकते कि उनके घर जला दिए गए थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि पहले की सरकारों में यूपी में अपराधी अपना खेल खेलते थे, माफिया अपना खेल खेलते थे। पहले यहां अवैध कब्जे के टूर्नामेंट होते थे, बेटियों पर फप्तियां कसने वाले खुलेआम घूमते थे। हमारे मेरठ और आसपास के क्षेत्रों के लोग कभी नहीं भूल सकते कि लोगों के घर जला दिए जाते थे और पहले की सरकार अपने खूब खेल खेलती थी। पहले की सरकारों का काम ये था और इसी का नतीजा है कि अपना पुश्तैनी घर छोड़कर लोग पलायन करने के लिए मजबूर हो गए थे। उन्होंने कहा कि अब योगी जी की सरकार ऐसे अपराधियों के साथ जेल जेल खेल रही है। 5 साल पहले इसी मेरठ की बेटियां शाम होने के बाद अपने घर से निकलने से डरती थी, लेकिन आज मेरठ की बेटियां पूरे देश का नाम रोशन कर रही हैं। आगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मेरठ और आसपास के क्षेत्र ने स्वतंत्र भारत को भी नई दिशा देने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। राष्ट्र रक्षा के लिए सीमा पर बलिदान हो या फिर खेल के मैदान में राष्ट्र के लिए सम्मान, राष्ट्रभक्ति की अलख को इस क्षेत्र ने प्रज्वलित कर रखा है। रुड़की के झबरेड़ा विधानसभा में आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कार्यक्रम है, जिसे लेकर क्षेत्रीय विधायक या संबंधित अधिकारियों ने टूटी फूटी सड़क का निर्माण रातों रात कराने का काम तो कर दिया, लेकिन दिन निकलते निकलते ही सड़क फिर से टूटने लगी। हालांकि झबरेड़ा विधायक देसराज कर्णवाल ने अपने 5 साल के कार्यकाल में क्षेत्र में तमाम विकास कार्यों का दावा किया है, पर मुख्यमंत्री के आने से पहले मंगलौर झबरेड़ा मार्ग की मरम्मत कर दी गई, जिससे मुख्यमंत्री का काफिला आना है। पर रात में बना ये मार्ग दोपहर तक एक बार फिर से टूट गया। वहीं किसान मेले में पहुंची भीड़ भी धीरे धीरे खिसकती नजर आई। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी आज झबरेड़ा के दौरे में हैं और नए साल पर 2022 में वो झबरेड़ा को बड़ी सौगात देने के लिए आ रहे हैं। जब भी किसी प्रदेश का मुखिया किसी भी विधानसभा में जाता है या किसी शहर में जाता है तो पूरा प्रशासनिक अमला उनकी चार चौकन में लग जाता है। ऐसा ही कुछ झबरेड़े में देखने को मिला। 4 दिन पहले मेरा गांव मेरा देश के नाम से जो न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया ने मुद्दा उठाया था, उसमें यहां की सड़कों के हालात बताए थे। ये जो सड़क है ये पूरी तरह से गड्ढों से, आज मुख्यमंत्री के आने के उपलक्ष्य में प्रशासन ने इन गड्ढों को भरा है। मैं अपने सहयोगी से कहूँगा कि इस सड़क को दिखाएं कि किस तरह से रातों रात इस सड़क को बनाया गया है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अभी मुख्यमंत्री का काफिला आ रहा है। मैं अपने सहयोगी से कहूँगा कि मुख्यमंत्री के काफिले को दिखाएं कि मुख्यमंत्री का काफिला जो है वो यहाँ से गुजर रहा है। अगर प्रशासन और यहाँ के विधायक इस ओर पहले ध्यान देते तो ये सड़क अच्छी तरीके से बनाई जा सकती थी। राज्य सरकार का जो पैसा इस सड़क में लगाया गया है वो सही नहीं है, क्योंकि रात ही सड़क ये रातों रात सड़क तैयार की गई और अभी ये टूट चुकी है सड़क। न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया आपको वो दिखा रहा है जो कोई नहीं दिखाता। सारा प्रशासनिक हमला मुख्यमंत्री के काफिले के पीछे चल रहा है। मैं अपने सहयोगी से कहूँगा कि काफिले को दिखाएं। आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी झबरेड़ा को बड़ी सौगात देने के लिए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री की फ्लीट जो है काफिला आ चुका है। हालांकि 2 बजे का समय था, 1 घंटा देरी से आए हैं मुख्यमंत्री। लोग इनके स्वागत के लिए बैठे हुए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का काफिला निकल रहा है। ये डीएम साहब, कप्तान साहब,
और पूरा प्रशासनिक अमला मुख्यमंत्री के स्वागत में यहाँ लगा हुआ है। अपने सहयोगी शहजाद के साथ मैं मोहम्मद अजीम, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया, हरिद्वार, झबरेड़ा। सुल्तानपुर में रथ यात्रा के दौरान डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने बसपा, सपा और कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। आपको बता दें कि उन्होंने हमला बोलते हुए कहा कि जाति धर्म के आधार पर ये हैं बांटने वाले लोग और अभी भ्रमित करेंगे जनता को राजनीतिक ये दल। ऐसे में उन्होंने आगे कहा कि राम जन्मभूमि पर हेलीकॉप्टर से फूल बरसाना हो तो कमल को जुटाइएगा। सपा नहीं चाहती थी कि रामलला का मंदिर बने, बिरयानी वाले हैदराबादी भाईजान कहकर ओवैसी की भी खूब खिल्ली यहां पर दिनेश शर्मा ने उड़ाई। ये डीएपी खाद को उपलब्ध कराए, यूरिया खाद को उपलब्ध कराए, बिजली को उपलब्ध कराए और सारे के सारे साधन जब ये उपलब्ध कराए तो मोदी जी और योगी जी चाहिए, दूसरा तो नहीं चाहिए ना? नहीं 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 चाहिए, नहीं चाहिए। अच्छा तो इनको बता दो कि नहीं चाहिए। हे लंगुआ के वीरों, हे सुल्तानपुर के बहादुर सेनानियों, हाथ उठाओ, एक साथ हाथ उठाओ। तो जिसका हाथ ना उठे समझ लेना गड़बड़ वाला आदमी मंच के ऊपर और मंच के नीचे है। धर्म नगरी हरिद्वार में धर्म संसद में कथित भड़काऊ भाषण मामले में पुलिस ने अब सख्त रुख अख्तियार करते हुए इस मामले की जांच के लिए एसपी स्तर के अधिकारी की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय एसआईटी का गठन कर दिया है। डीआईजी गढ़वाल करण सिंह नंगियाल का कहना है कि दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। हालांकि इसको लेकर अब साधु संतों ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए आक्रोश जताया है। आपको बता दें कि स्वामी यति नरसिंह आनंद गिरी का कहना है कि सरकार दबाव में आकर इस तरह के फैसले ले रही है। उत्तराखंड में भी गैर मुस्लिम समुदाय के लोगों का वर्चस्व दिखने लग गया है। कल मुख्यालय पर जाकर जो घेराव किया गया है उसी का डर सरकार को है, जो उन्होंने एसआईटी की जाँच बिठा दी है। देखिए, ये तो इस लोकतंत्र का सौभाग्य है कि मुसलमानों ने अभी अपनी जनसंख्या इतनी बढ़ा ली है कि वो भीड़ इकट्ठी करके कुछ भी करवा सकते हैं। और यही वो बात है जो मैं हिंदुओं को बहुत दिनों से समझाना चाहता था, अब धीरे धीरे हिंदू समझेंगे। देखिए, इसके लिए कुछ लोगों को मरना तो पड़ेगा ही, कुछ लोगों को जेल तो जाना ही पड़ेगा। तो मेरा सौभाग्य होगा अगर मैं उनमें से सबसे पहला होऊंगा। तो ये एसआईटी जो है मुसलमानों के भीड़ की ताकत से, अब उन्होंने क्या भाषणों में बोला है जरा इस पर अगर आप ध्यान देंगे तो आपको पता चलेगा कि हम जो कह रहे थे आत्मरक्षा के हेतु और हेट स्पीच में क्या अंतर होता है। देखो, क्या है कि सरकार अभी प्रदर्शनों को देख रही है। ऐसे लाखों वीडियो वायरल हैं जिसमें हमारी देवी देवताओं को, संतों को, महात्माओं को गालियां दी जा रही हैं, उनको जान से मारने की बात की जा रही है। और हम नहीं, पहले भी राम ने रावण के खिलाफ युद्ध किया, कृष्ण ने कंस के खिलाफ युद्ध किया और हम इस्लाम के खिलाफ युद्ध कर रहे हैं, हम कुरान के खिलाफ युद्ध कर रहे हैं। सरोवर नगरी नैनीताल में स्नो व्यू वार्ड सभासद पुष्कर बोरा और सामाजिक कार्यकर्ता खुशहाल सिंह रावत के नेतृत्व में क्षेत्रवासियों ने अक्टूबर महीने में हुई जल प्रलय आपदा की वजह से आलमा काटेज बिरला मार्ग पूरी तरह से धराशायी हो गया था, जिसको लेकर आंदोलन शुरू कर दिया है। दर्जनों क्षेत्रवासियों ने रोड नहीं तो वोट नहीं का नारा भी दिया। आपको बता दें कि जिला प्रशासन, नगर पालिका परिषद और लोनी भी हाय हाय के नारे भी लोगों ने वहां पर लगाए और साथ ही कहा कि अगर शासन प्रशासन द्वारा सड़क निर्माण कार्य जल्द से नहीं कराया गया तो आमरण अनशन से लेकर किसी भी आंदोलन करने के लिए वो तैयार रहेंगे। साहब हमारे सामने खड़े हैं, मेंबर साहब ने इस बात को बोर्ड की मीटिंग में भी उठाया था। बोर्ड की 4 तारीख की बोर्ड की मीटिंग थी तुम्हारी, 4 तारीख की बोर्ड की मीटिंग में भी उनको उठाया था। उसमें भी उन्होंने कहा था इसका प्रस्ताव भेजा है, तो आज तक 4 दिसंबर की बात हो चुकी है। ये 4 दिसंबर से आज 4 जनवरी आने को है, 2 जनवरी हो चुकी है। मतलब ये समझिए कि 1 साल बीत चले गया, पिछले साल से अभी तक इस सड़क का कोई सुनने वाला नहीं है। सड़क जौनपुर में ब्रह्मा देश समागम का आयोजन किया गया। बदलापुर के कड़ेरेपुर में ब्राह्मणों की भारी भीड़ भी देखने के लिए इस कार्यक्रम में मिली। आपको बता दें कि ओम श्री ट्रस्ट के ट्रस्टी बदलापुर से पूर्व विधायक ओम प्रकाश बाबा दुबे द्वारा ये आयोजन किया गया था। आपको बता दें कि ब्रह्मा देश समागम कार्यक्रम में पूर्वांचल के कई जिलों के ब्राह्मण शामिल हुए हैं और पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कार्यक्रम के सफल आयोजन की शुभकामनाएं अपने सोशल मीडिया के माध्यम से दी। ये प्रोग्राम 16
दिसंबर को हमने काशी में लोकहित मनोमंथन का आयोजन किया था, जहां हजारों ब्राह्मण इकट्ठा होकर विचार विमर्श करने के बाद उन्होंने निर्णय लिया था कि आगामी चुनाव में हमारे समाज का और हमसे जुड़े जो भी राजनीति में वंचित समाज हैं उन सब का क्या रुख होना चाहिए, हमें परिवर्तन कैसा चाहिए, किस रूप में चाहिए और विकल्प क्या हो, इसके जो निर्णय लिए गए थे उसकी उद्घोषणा के लिए कार्यक्रम। नहीं, ब्राह्मणों की पहल पे था, ब्राह्मणों ने ये कहीं ना कहीं विचार विमर्श और उसका एक मंच उपलब्ध कराकर सबके बीच विचार विमर्श करके ये निर्णय लिए हैं, इसीलिए इसका नाम ब्रह्मदेश समागम। चमोली के देवाल विकासखंड के बैराधार गांव में गौशाला में आग लगने से 50 के करीब बकरियां आग में जल गईं। जानकारी के मुताबिक 76 वर्षीय बुजुर्ग महिपत सिंह ने सुबह उठकर अपनी गौशाला में बकरियों के लिए गौशाला में आग जलाई और फिर वो सो गए। इतने में कुछ देर में गौशाला में रखी लकड़ियां और अन्य सामान ने आग पकड़ ली और जब तक बुजुर्ग की आँख खुली तो तब तक आग पूरी गौशाला में फैल चुकी थी। बुजुर्ग ने गौशाला में लगी आग से किसी तरह खुद को बचाया लेकिन वो बकरियों को नहीं बचा सके। ऐसे में क्षेत्र के सामाजिक कार्यकर्ता तेजपाल सिंह ने बताया कि गांव के लोगों ने गौशाला में लगी आग को काबू करने की बहुत कोशिश की लेकिन आग बेतहाशा फैल गई थी और वो भी बकरियों को नहीं बचा सके। ऐसे में ग्रामीणों ने शासन प्रशासन से बुजुर्ग महिपत सिंह को हुए नुकसान का मुआवजा देने की मांग उठाई है। 5 बजे के हेरफेर विकासखंड देवाल के ग्राम सभा बेराधार में अचानक आग लगने से एक गौशाला पूर्ण रूप से ध्वस्त हो चुका है, जिसमें कि कम से कम 45 से 50 बकरियां इस आग में राख बन चुकी हैं और यहां पे सुबह से कम 6 बजे के हेरफेर से समस्त ग्रामवासी आग बुझाने में लगे हैं, अभी तक आग में काबू नहीं पा पाए हैं। तो कम से कम इस आग के कारण से 45 से 50 बकरियां इस आग में ध्वस्त हो चुकी हैं। कानपुर में नाबालिग से रेप का मामला सामने आया है लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि पुलिस आरोपियों के पक्ष में खड़ी हुई नजर आ रही है। दरअसल नाबालिग लड़की के गर्भवती होने के बाद परिजनों को पूरी घटना बताई गई। पीड़िता का आरोप है कि उसे कार से अगवा कर दो लोगों ने उसके साथ रेप की घटना को अंजाम दिया। ऐसे में आरोपियों ने रेप करने के बाद पीड़िता का अश्लील वीडियो भी बना लिया और किसी से कुछ बोलने पर वो वीडियो वायरल करने की धमकी भी उसे दी। लेकिन जब पुलिस ने इसकी शिकायत की तो पुलिस दूसरे अभियुक्त का नाम न लेने का दबाव पीड़िता पर बनाने लगी। जिस कार से घटना की गई उसकी पहचान भी नहीं खोलने का पुलिस लगातार दबाव पीड़िता पर बना रही है। ये पूरा मामला बाबूपुरवा थाना क्षेत्र के NLC चौकी का है। हम अपने घर से बाजार से आ रहे थे तो दो मतलब बगली में रहते हैं हमारे चाचन को कहते हैं, उन्होंने कहा कि आओ घर तक छोड़ दें तो हम बैठ गए, मगर इन्होंने घर ना छोड़कर जहाँ पे एक लोग की जिसकी गाड़ी थी वहाँ पे ले जाके मेरे साथ गलत काम किए हैं। विपिन थे उनकी गाड़ी थी और जो था एक सुनील कुमार उर्फ सेठी। मेरी 13 साल की लड़की बेटी है, वो सब्जी लेने गई थी बाजार, बाजार से वापस आ रही थी। दो लड़कों ने हमारे घर के बगल में रहते हैं, वो लड़कों ने वैन कार लगा के और बेटी को हमारी ले लिया गाड़ी में कि चलो तुम्हें घर छोड़ दें। अब वो घर ले जाने के बहाने कहीं पर अपने घर के पास ले गए गाड़ी खड़ी करके। एक लड़के ने गाड़ी बंद कर दी, दूसरा लड़का रेप कर रहा था और करने के बाद लड़की को मेरे घर पर छोड़ गए। गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब परिसर में गुरु पर्व के उपलक्ष में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ मुख्य अतिथि उत्तराखंड के मुख्य सचिव डॉक्टर सुखबीर सिंह संधू, अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर आरके जैन, गुरुद्वारा ट्रस्ट के उपाध्यक्ष नरेंद्र जीत सिंह बिंद्रा ने किया। आपको बता दें कि शिविर में कई बीमारियों के स्पेशलिस्ट डॉक्टरों ने मरीजों के स्वास्थ्य का परीक्षण किया। इस दौरान बीमारी से संबंधित ब्लड टेस्ट और अल्ट्रासाउंड निःशुल्क किए गए। ऐसे में डॉक्टरों के द्वारा लिखी गई दवाइयां भी मरीजों को निःशुल्क उपलब्ध कराई गई। मौके पर राजकीय चिकित्सालय ऋषिकेश और एम्स ब्लड बैंक की टीम ने रक्तदान शिविर भी लगाया, जिसमें 60 लोगों ने रक्तदान किया। ऐसे में शिविर के समापन पर डॉक्टरों को गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब की ओर से सरोपा प्रसाद और उपहार देकर सम्मानित भी किया गया। इस दौरान सैकड़ों मरीजों के साथ साथ दरबार साहिब में माथा टेकने पहुंचे श्रद्धालुओं के लिए गुरु का टूट लंगर भी चलता रहा। देखिए, जहाँ तक इस कैंप का सवाल है, वो लगभग 14 वर्ष हो गए हैं जब से लगातार ये हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा में एक कैंप आयोजित किया जा रहा है।
और इस कैंप की एक जो प्रमुख विशेषता ये है कि यहाँ पर सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की सेवाएं जो है वो आम जन को उपलब्ध हो पा रही हैं, जो कि जनरली नहीं हो पाती हैं। उन लोगों का टाइम मिलना भी बड़ा मुश्किल है, बिजी भी रहते हैं, लेकिन यहाँ गुरुद्वारे में वो 14 साल से अपनी सेवाएं लगातार दे रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी बात है। लगभग 22 यूनिट के आसपास अभी रक्त एकत्रित हो चुका है। यहाँ गुरुद्वारे में हर वर्ष कैंप लगता है यहाँ पर रक्तदान शिविर, और इस वर्ष भी इन्होंने आयोजन किया है गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती के उपलक्ष्य में। हालांकि वो 9 जनवरी को है, इन्होंने पहले मेडिकल कैंप के साथ साथ रक्तदान शिविर भी लगवाया है।